सो हेलो एंड व्हाट्सएप गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, अगर आपको पबजी गेम पसंद है और पबजी खेलने के शौकीन है और आपको उस तरह की फ़ोटो एडिटिंग सीखनी है तो आप सही जगह आए हो। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको पबजी फ़ोटो के एडिटिंग दिखाने वाला हूँ बनाकर। और दोस्तों, अगर आपको पबजी गेम्स के वीडियो देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को भी चेकआउट कर लेना और उसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल कर लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें पबजी के एडिटिंग के लिए पबजी के बैकग्राउंड्स और PNG की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मैं अब इस फ़ोटो के मॉडल को ऐड कर लेता हूं और इस फ़ोटो का बैकग्राउंड मैंने पहले से ही रिमूव कर रखा है। अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करना नहीं आता तो ऊपर आई बटन पर एक वीडियो आ रही होगी, उस वीडियो में मैंने फुल्ली एक्सप्लेन किया है कि बैकग्राउंड को कैसे 5 सेकेंड में रिमूव करना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो उस वीडियो को आई बटन पर क्लिक करके। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर एक और लास्ट PNG को ऐड कर लेता हूँ इस फोटो में और पिक्सआर्ट का काम खत्म हो गया यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ पिक्सआर्ट में और इस फोटो को ले जाऊँगा लाइटरूम में और लाइटरूम में यहाँ पर ऐड कर लूँगा इस फोटो को। तो यहाँ पर इस फोटो को ऐड करने के बाद लाइटरूम में जो मिक्स कलर टूल है उसका यूज़ करेंगे। इस टूल को यूज़ करने के बाद आपके फ़ोटो के अंदर एक ऐसा कलर टोन आ जाएगा जिसकी मदद से आपका फ़ोटो बहुत ही अच्छा और कूल दिखने लगेगा। और दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पर जो भी मैं लाइटरूम, पिक्सआर्ट, स्नैपसीड जो भी एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ वो सारी की सारी प्रीमियम एप्लीकेशन है, जो कि आप भी यूज़ कर सकते हो। मैंने लिंक सारे की सारी डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें वाइब्रेंस को बढ़ा देना है और सैचुरेशन को थोड़ा सा कम कर देना है और यहाँ पर हमें थोड़ी सी सेटिंग्स को चेंज कर लेना है। थोड़ा आगे पीछे करके देख लेना है आपके फ़ोटो में क्या अच्छा लग रहा है और क्या बुरा लग रहा है, वो नहीं करना है। यहाँ पर आप अपनी तरह से सेट कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि ये लाइटरूम एप्लीकेशन ऐसी है कि आप खुद अपने अलग टोन बना सकते हो कलर के। तो चलिए, अब मेन टूल स्प्लिट टोन को यूज़ करेंगे, जिसकी मदद से आपको आपका फ़ोटो का बैकग्राउंड और फ़ोटो को मिक्स कलर करना है। तो यहाँ पर हमें इस टूल को इसलिए यूज़ करना है ताकि ये फ़ोटो ओरिजिनल लगे, नेचुरल लगे। तो चलिए दोस्तों, अब हमारी फ़ोटो कंप्लीट हो चुकी है, अब हमें सिर्फ लोगो लगाना है और फेस को थोड़ा ग्लो करना है। तो यहाँ पर फोटो एडिटिंग कंप्लीट होती है इस लोगो के लगाने के बाद। तो अगर आपको ये वीडियो जरा से भी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना। और दोस्तों, इस फोटो के जैसा आप भी एडिट करने वाले हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना और वहाँ पे मुझे टैग भी कर लेना, श्योरली आपके फ़ोटो को लाइक और कमेंट करूँगा। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।